Good morning students, welcome back again in your online classes for English. And yesterday we have completed up to para 4th. Today we will start reading para 5th. Okay, now see. An old man paid 50 paise and selected 6 discs. He added up the numbers on them and found the total was 15. What is the meaning of sentences? एन ओल्ड मैन, जब लेखक जो है वो पहुंचता है दुकान पे तो क्या होता है, जो लकी शॉप होता है ना, वहाँ पे कोई 6 डिस्क उठानी होती है और उन पे जो नंबर्स रहेंगे डिफरेंट, उनको ऐड करने पे जो नंबर आएगा वही नंबर दुकान में जो आर्टिकल है, मीन्स जो वस्तु है, उस पे जो नंबर प्रिंट रहेगा वही आपको चीज़ मिलेगी। तो एक बूढ़ा व्यक्ति क्या किया, 50 पैसे उसने दिए, कीमत दी किसकी, 6 डिस्क की, ठीक है, और उसने उठाए और ही एडेड अप, और जो डिफरेंट डिस्क थी है ना, 1 2 3 4 6, उन पे नंबर्स प्रिंट हुए थे, उन नंबर्स को उसने ऐड किया तो कितना आया, एंड फाउंड द टोटल वाज 15, कितना आया 15। He was given the article marked 15, as I told you earlier, मैंने आपको बताया था ना, और उनके उस लकी शॉप में दुकानदार के पास जिस आर्टिकल, जिस वस्तु पे 15 लिखा हुआ था, वो चीज़ क्या है, उस बूढ़े व्यक्ति को इनाम में मिली। Which was a, और जो क्या थी, beautiful clock, एक बहुत ही खूबसूरत घड़ी। But the old man did not want a clock. लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति को क्लॉक नहीं चाहिए था, वो नहीं चाहता था क्लॉक। The shopkeeper obliged him by buying it back for 15 rupees. और जो दुकानदार था उसने क्या किया, बहुत ही अनुज्ञा से, बहुत ही आज्ञाकारिता से, लहजे से क्या कहा, खरीदने के लिए back for 15 rupees, कि आप फिर से 15 रुपए के चीज़ें खरीद लें। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, और वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही खुशी खुशी प्रसन्न होकर चला गया। पैरा 6, देन ए बॉय ए लिटिल ओल्डर देन आई, मतलब फिर उसके बाद कौन आता है दुकान पे, एक लड़का जो क्या था, लिटिल ओल्डर मतलब मुझसे थोड़ा ही बड़ा वो रहा होगा, देन आई ट्राइड हिज लक, उसने अपना अपने तकदीर आजमाई उस लकी शॉप पे, ही गॉट ए कम वर्थ 25 पैसे, और उस कम की कीमत क्या थी, 25 पैसे। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉट सैड, दुकानदार ना तो खुश दिख रहा था और ना तो उदास। ही बॉट द कम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, ही बॉट उसने खरीदा क्या, कंघी फ्रॉम द बॉय, उस लड़के से कंघी खरीदी क्या 25 पैसे में। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, उस लड़के ने फिर से अपना लक आजमाया। ही नाउ गॉट ए फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज, फिर उसे उसने वो गेम खेलने के बाद उसने अब क्या पाया, कौन सा आर्टिकल पाया, फाउंटेन पेन, और जिसकी कीमत क्या थी, 3 रुपीज, केवल 3 रुपये। देन ही ट्राइड ए थर्ड टाइम, फिर उसने तीसरी बार कोशिश की, एंड गॉट ए रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज, फिर उसने क्या पाया, एक कलाई घड़ी, रिस्ट वॉच मीन्स कलाई वाली घड़ी, जिसकी कीमत क्या थी, 25 रुपये। वेन ही ट्राइड अगेन, जब उसने फिर से ट्राई किया, ही गॉट ए टेबल लैम्प, फिर उसे क्या मिला, टेबल लैम्प मिला वर्थ मोर देन 10 रुपीज, जिसकी कीमत 10 रुपये के ऊपर थी। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद ए स्माइल एंड ए गुड डील ऑफ कैश, लड़का बहुत प्रसन्न था और वो चला गया एक मुस्कुराहट के साथ, और वो उसने एक अच्छी डील, आपस में उसके कैश की, पैसों की एक अच्छी डील हो गई थी। अच्छी डील मतलब क्या, उसे पहले क्लॉक मिला, फिर रिस्ट वॉच मिला, फिर फाउंटेन पेन मिला, फिर कम मिला, है ना, तो उसकी एक अच्छी डीलिंग कैश से हो गई थी।
मतलब अच्छी कीमत की उससे वस्तुएं मिल गई थी. दैट इज द सेंस ऑफ द सेंटेंस हियर. दैट इज ए गुड डील ऑफ कैश. ओके एंड पैरा 7 वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो. ओके थैंक यू.